सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्रेकर को कैसे क्रॉस करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैम सामने से आ रही हैं और मैम ने पहला ब्रेकर क्रॉस किया। आप सबों ने ध्यान भी दिया होगा कि जब भी मैम ब्रेकर क्रॉस अभी कर रही थी तो उनका जो पांव था वो हवा में था। तो सबसे पहला जो मेन रूल है वो यही है कि जब भी ब्रेकर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपका जो पाँव है वो हवा में आ जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक सपोर्ट मतलब मिलेगा। मान लीजिए ब्रेकर क्रॉस करते टाइम आपको थोड़ा बहुत भी हैंडल इधर उधर होता है तो आपको झट से आपका मतलब पांव डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। अगर आप मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस फिर होने लगोगे धीरे धीरे, देन आपको क्या करना है कि उस हिसाब से अपना दोनों पाँव भी ऊपर रख सकते हो। लेकिन एज अ बिगनर आप अगर भी स्टार्ट ही कर रहे हो और आप सीधे अभी तक चलाने लग गए, देखो सबसे पहले जो ब्रेकर क्रॉस करना है तो सबसे पहले तो हमको सीधे अच्छे से चलाने आ जाए, टर्निंग वगैरह आ जाए, देन हमको ट्राई करना है ब्रेकर पे। ब्रेकर क्रॉस करने से पहले हमको ये ट्राई करना है कि सीधे हम अच्छे से चला पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक कर लेना है। दूसरा, हम टर्निंग कर पाते हैं कि नहीं, ये भी चेक कर लेना है। तीसरा, कि एक नॉर्मल अगर उबड़ खाबड़ रोड है तो वो भी हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ये तीनों चीज़ अगर ओके है देन आप ब्रेकर को ट्राई ज़रूर कीजिए। और सेम जैसे मैम कर रही हैं, एक पाव हवा में अभी कर रही हैं, अगर आपको दोनों पाव हवा में रखना है तो वो भी हो सकता है, वो भी आप करें। तो अभी फिर से आप देख सकते हैं कि ब्रेकर आया, मैम ने पैर हवा में किया, क्रॉस होने के बाद फिर से ऊपर कर लिया। तो सेम यही रूल आपको भी फॉलो करना है और ज़्यादा स्पीड में ब्रेकर पर अभी नहीं क्रॉस करना है, एकदम नॉर्मली होना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो होना चाहिए ना ज़्यादा स्पीड। आपको खुद से ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लेना है कि कितने हम स्पीड में रहेंगे कि आराम से मतलब ब्रेकर क्रॉस हो जाए, मेरा गाड़ी फंसे भी नहीं, और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है कि मेरा गाड़ी ज़्यादा उछले भी नहीं। ज़्यादा अगर गाड़ी जंप भी करेगा तो भी आप अनबैलेंस फील करोगे और गिर सकते हो। तो ये चीज़ है। तो जो भी मैंने अभी बताया, आई होप कि आपको वो चीज़ हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले वो तीन चीज़ आपको कर लेना है, जब तक आप खुद से चला ना पाओ, जब तक आप मतलब टर्निंग वगैरह ना कर लो और उबड़ खाबड़ रोड में ना कर लो, तब तक आप ब्रेकर को ट्राई मत करना, ठीक है। और ब्रेकर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, जैसे मैम तो अभी अच्छे से चलाने लगी हैं तो ठीक ठाक मतलब अच्छे से ब्रेकर हो पा रहा है जैसे एज अ बिगनर। और सबके लिए ये चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है, हो सकता है किन्हीं को थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैम का हैबिट हो गया है कि एक ही पाँव नीचे आता है, तो हो सकता है आपको दोनों पाँव नीचे रखने का आदत हो। तो नीचे रखना इन द सेंस हवा में ही रखना है, नीचे टच नहीं करना है ग्राउंड में, हमको पैर जो है वो हवा में ही रखना है। आप फिर से देख सकते हो, फिर से मैम ने ब्रेकर पे चढ़ा, अभी मैं इस वाले ब्रेकर पर अभी आपको बताऊँगा। ये जो सामने आपको ये ब्रेकर दिख रहा है, इस वाले ब्रेकर पर एकदम फ्रंट व्यू दिखाऊँगा कि कैसे क्या हो रहा है। आप सब देख सकते हैं, एक पाँव नीचे आया और ये आसानी से क्रॉस करके फिर से ऊपर कर लिया, ठीक है। तो सेम यही काम आप लोग भी फॉलो कीजिए, जो भी आपको सिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या आप खुद भी अकेले भी जा रहे हो तो यही चीज़ आपको फॉलो करना है। अगर कोई इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उनको भी यही चीज़ बताइए। बहुत ही ये हेल्पफुल मेथड है, हम लोग जितने भी लोग सीखते हैं हम लोग यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छा बात इस मेथड का ये है कि बिल्कुल सेफ़ है, आपको गिरने का चांस 99.9% रिड्यूस हो जाता है। तो ज़रूर ये मेथड हेल्पफुल होगा। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें अगर आप ब्रेकर कैसे क्रॉस करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। एक हम लोग डिटेल्ड वीडियो खुद भी बना कर लेके आएंगे और पूरा उसमें डिटेलिंग करेंगे कि और भी आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है ब्रेकर क्रॉस करने से पहले भी, और क्या क्या चीज़ आपको अच्छे से ध्यान करके ही ब्रेकर क्रॉस करना है। सो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया और जो कि आपको बेनिफिट करे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।